ले बेटा ये एक रोटी तू ले ले बस अब नहीं एक और ले ले ना नहीं इतनी जल्दी पेट भर गया तेरा अच्छा तुम कहती हो तो आ ही देता हूँ अच्छा ले ये ले आधी रोटी ये तू ले ले नहीं मैं पेट भर गया है ले ले बेटा अच्छा इसकी भी आधी दे दो इसकी भी आधी दे दो अच्छा इसकी आधी ये ले ये रही चौथाई रोटी बेटा वहां डलिया में एक अमरूद रखा है ले आओ उसको जाकर और दोनों भाई बहन उसे आधा आधा बांट कर खा लो अच्छा माँ चाकू देना नहीं नहीं माँ तुम ही काटे भैया मुझे कम लेगा अच्छा अच्छा मैं ही काट देती हूँ ला ये लो आधा आधा हो गया देखो बेटा बाहर कौन आया है माँ मेरे दोस्त आए हैं ले आ उनको यहीं आजा बेटा आजा बैठ जा बेटा अमरूद खाओगे दोनों हैं अच्छा ये लो ये आधे का आधा एक एक चौथाई तुम दोनों का और ये आधे का आधा एक एक चौथाई तुम दोनों का ये अमरूद तो बहुत मीठा है अच्छा अच्छा लगा हाँ। खाओ और रोटी के ही आकार का ये कागज का टुकड़ा जब हम इसे इस लाइन पर मोड़ देते हैं तो ये इसके दो हिस्से हमें मिलते हैं एक ये और दूसरा ये अब इसको बीच में से फाड़ देते हैं और ये दोनों हिस्से कैसे ये दोनों हिस्से बराबर हैं तो एक हिस्सा पूरे कागज के टुकड़े का कितना भाग होगा एक बटा दो ये दो हिस्से दोनों ही बराबर एक हिस्सा कितना भाग हुआ एक बटा दो और जब हम रोटी को चार बराबर भागों में बांटते थे उसी चीज को इस कागज से समझे ये तो दो भाग एक और ये दो ये दो भाग और फिर इसको दोबारा से काटे तो इस तरह हमें कितने भाग मिले एक दो तीन और ये चार तो ये हिस्सा कागज के पूरे टुकड़े का कितना भाग हुआ एक चौथाई
और इसे हम कैसे लिखते थे? एक बटा चार। आइए अब आधा और चौथाई को एक मॉडल की सहायता से समझें। इसमें इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक भाग ये और दूसरा भाग ये। ये दोनों भाग आपस में कैसे हैं? ये एक भाग ये दोनों ही भाग बराबर है, तो एक भाग कितना कहलाएगा? आधा। आधा ये और आधा ही ये, और ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? एक पूरा, जिसको हमने दो भागों में बांटा था। और अब दूसरे को देखें, और ये दूसरा, इसको हमने चार भागों में बांटा है, एक दो तीन और चार। ये इसका चौथाई। ये दूसरे के बराबर, तीसरे भाग के भी बराबर, और ये चौथे भाग के। तो इस तरह से ये चार हिस्से बराबर हैं और एक हिस्सा क्या कहलाएगा? चौथाई। हमारे पास ये तीन कागज के टुकड़े हैं, एक दो और ये तीन। हम इनको बारी बारी से कैसे आधा कर सकते हैं इसकी विधि देखेंगे। एक तरीका तो ये है कि बीचों बीच इसको बिल्कुल मोड़ दीजिए, और दोनों तरफ ये देख लें कि क्या ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं या नहीं। ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। जब आप इसको पीछे से फाड़ेंगे तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। और दूसरे कागज के टुकड़े से देखें कि कैसे हम उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहले हमने इस तरफ से मोड़ा था, पर अब हम इसे
इस लाइन के ऊपर मोड़ रहे हैं और देखना वही है मोड़ने के बाद कि क्या एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढकता है या नहीं। एक और ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं तो इसमें एक हिस्सा कितना होगा? आधा। और एक तीसरा तरीका, पहले हमने कागज को इस तरह से मोड़ा था, दूसरी बार इस तरह से, और एक और तरीका जो हो सकता है वो इसको इस लाइन के ऊपर मोड़ करके। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों भाग तो एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक रहे हैं। आप इसी तरह एक कागज का टुकड़ा घर पे लें, उसको इसी तरह से मोड़ें और मोड़ कर उसे काट लें। काटने के बाद देखें कि क्या ये दोनों भाग बराबर हैं या नहीं।